ये मरेंगे जरूर, पर मुझे इन्हें नहीं मारना पड़ेगा। ये तीनों अपने आप खुद ही एक दूसरे को खत्म करेंगे। मैं कौन? सर क्यों जग रहा है? क्या हो रहा मुझे? वो क्या गया? सर से खून निकला? किसने मारा मुझे? मेरे सर से खून किसने निकाला? कौन मारना चाहता है? गन मेरे पास कैसे आ गए? से मारो। है कौन ये और मैं इसे क्यों मारू? शायद ये मेरा दुश्मन है। इसी ने मेरे सर से खून निकाला, इसी ने मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इससे पहले कि ये मुझे कुछ करे, मैं इसका खेल खत्म कर देता हूं। यही कहीं आसपास होगा। कहीं मैंने किसी का खून तो
कर दिया। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आया? सीआईडी ऑफिसर, ये लड़की सीआईडी ऑफिसर है, पर इसके हाथ में हथकड़ी कैसे? काले अब समझा कि ये लड़की ये मुझे पकड़ने आई होगी। शायद मैंने किसी का खून कर दिया है। और मैंने इसे किडनैप कर लिया। यही हुआ होगा। ए लड़की, ए लड़की, हट, हट, हट। ज्यादा चलाकी नहीं, समझे? ये तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। अभिजीत सर, आप यहाँ? मैं यहाँ कैसे पहुंची? एक काम करो, तुम ब्यूरो में ही ठहरो। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फोन करेंगे, समझी? मुझे याद है, मैं ब्यूरो में थी और किसी ने मुझे मारा था। फिर आपने मुझ पर गन क्यों तान रखी है? कौन सा है? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। सर, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? बहकी बहकी बातें तुम कर रही हो, सब जानता हूं मैं। तो सीआईडी ऑफिसर है ना? हैं? सीआईडी ऑफिसर है ना तू? मैं सब जानता हूं, तू मुझे जेल पहुंचाना चाहती है, लेकिन अब तुम मेरी जेल में है। सर, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ताशा हूँ सर, ताशा। हम साथ में सीआईडी में ही काम करते हैं और हमें हमारे साथियों को ढूंढना है। अभिजीत सर, कौन अभिजीत? कौन सर? मैं तुझे नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तू मुझे जेल पहुंचाना चाहती है। इसके पहले तुम्हारे बाकी साथी यहाँ आ जाएं और मुझे जेल पहुंचा दें, तो मुझे इस जंगल से बाहर निकालोगे। इस जंगल से तुम निकालोगी मुझे। चलो, उड़ा दूंगा। चल, मुझे जंगल से बाहर निकालो। आप समझने की कोशिश कीजिए। मार दूंगा। चल। कौन सी जगह है? यहां तुम पहले कभी नहीं आया था। ये तो जंगल है। इस जंगल से मेरा क्या वास्ता है? मैं अकेले यहां पर कैसे आया? कैसे अकेले आ सकता हूं मैं? मेरे साथ हाँ, दो लोग थे। कौन थे वो? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ है मुझे? कौन थे मेरे साथ? याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? कौन हो सकता है? हेलो,
सब कुछ सेट है मामला? हाँ बॉस, बस आपके कहने की देरी थी, सब हो गया। शाबाश, अब आएगा मजा। इन मॉनिटर्स को चालू करो, देखे तो सही कि एसीपी और उसकी टीम कैसे छटपटा रही है। माफ करना बॉस, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अरे क्यों, 50 बातें पूछो। एसीपी की नाक मिट्टी में रगड़ के रखती है। आज मैं वाकई बहुत खुश हूं, पूछ। बॉस, एसीपी और उनके लोग हमारे चंगुल में फंसे हुए हैं, फिर भी आपने उन्हें नहीं मारा, क्यों? मैं इन लोगों को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। बस यही मैं देखना चाहता था। अब आया इस खेल में मजा। बस कब तक खेलोगे ये खेल? जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता। बॉस, कहीं ये खेल उल्टा पड़ गया तो? ये प्रद्युमन है। एसीपी प्रद्युमन का बच्चा? एसीपी कैसे धूल चाटेगा ये देख ले। ड्रग्स के नशे में एक दूसरे को कैसे मारेंगे ये देख ले। बॉस, मैं तो सिर्फ तूने देखा नहीं इनका एक ऑफिसर सचिन कैसे साड़ों के झांसे में फंस गया? उसे इतना भी नहीं मालूम था कि ये साड़ों के असली है या नकली। गधे सब लोग, गधे। फिर भी बॉस, कहीं उनकी याददाश्त वापस आ गई तो? इन लोगों की याददाश्त वापस आने से पहले ये खेल इन सबको मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। आपको सब याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? सर, यही कि आप एक सीआईडी ऑफिसर हैं और मैं आपके जूनियर हूँ। चुपचाप चलती रहे। सर, आपको कुछ भी याद नहीं है? एसीपी सर, दया सर, रेडी सर, कुछ भी याद नहीं है? सर, डॉक्टर सारंगे, विवेक, काजल, डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सोनाली, याद है सर आपको? कौन है ये लोग? तेरे साथी हैं? हमारे साथी हैं, आपके साथी हैं। आपको उन्हें ढूंढना है सर। चल। सर, हमें उन लोगों को एजडी के चंगुल से छुड़ाना है सर। बकवास बंद कर, समझे? कुछ भी बोला ना, जबान काट के रख दूंगा तेरी। अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोल रही है? पागल समझती है मुझे? चल, जंगल से बाहर निकाल मुझे। चल चल। मैं जानती हूँ सर, आप अपने होश में नहीं है। तेरी चोंच बंद करनी पड़ेगी। तुझे क्या लगता है, तेरे बिना मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता? मैं तो निकलूंगा, मगर तुझे यही मार दूंगा। भाग ले, जहां तक भागना है भाग ले। अरे देख, सीआईडी वाले कैसे भाग रहे एक दूसरे से जान बचा के, अपने ही ऑफिसर्स से।
जैसे बिल्ली के सामने चूहा भागता है जान बचा के। अरे वो देख, देख देख, अरे वो देख एसीपी और दया कैसे खुले सांड की तरह घूम रहे जंगल में। बॉस, ये उसी ड्रग्स का कमाल है ना। ड्रग्स का भी और मेरे दिमाग का भी। ए, अबे तू खड़ा क्यों है? बैठना, बैठना। अच्छा ये बता, अभिजीत ताशा को मारेगा या नहीं? बोल। बॉस, मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं। अरे बोलना, डरता क्यों है? इसकी तो हवा निकल गई है। ए, दुआ, अरे बैठना इधर, बैठ। अब बोल, ताशा मरेगी या नहीं? बॉस, नहीं, मैं नहीं मरेगी ना? हाँ? नहीं मरेगी इसलिए वो नहीं मरेगी। नहीं बॉस, मैं तो ये कह रहा था कि इस बारे में मैं क्या जानू। कोई मेरे खिलाफ जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तू एक बार भी कह देता कि ये मरेगी तो ये मर जाती। अब ताशा नहीं तो तू भी नहीं। तू बच नहीं सकती है, समझे? अगर तू बच गई तो मेरी जान को खतरा है।
मारना चाहते हैं आप मुझे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या हुआ, तुम इतने डरी हुई क्यों? हुआ क्या यहां पे? अभिजीत सर मुझे मारना चाहते हैं। कौन अभिजीत? सर का बैच इंस्पेक्टर ताशा। सीआईडी ऑफिसर यहां जंगल में क्या कर रही है? अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इस जंगल से बाहर निकलने के लिए मदद तो होगी। अरे कोई है, कोई है? कौन है? सीधे खड़े रहो, मैं तो सारी गोलियां उतार दूंगा, समझे? याद में क्या है? सीआईडी ऑफिसर? अरे ये तो उस लड़की का बैच है, कहीं तुम भी सीआईडी ऑफिसर तो नहीं? नहीं मैं सीआईडी ऑफिसर नहीं। ए, सदा नाटक नहीं समझे? मालूम है मेरे हाथ में क्या है? मालूम है? गन है, लेकिन तुम कौन हो? ए, तुम कोई सवाल नहीं करोगे समझे, सिर्फ जवाब दोगे। ठीक है, इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताओ मुझे। मैं भी भटका हुआ हूं भैया, मुझे भी जंगल से बाहर निकलना है। आज जो भी मिल रहा है यही बोल रहा है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। पहले वो सीआईडी ऑफिसर, अब तुम। पागल समझ रखा है मुझे? मेरी बात सुनो। मैं चल, चुपचाप मुझे यहां से लेके चलो। मेरी बात सुनो, गोली मार दूंगा। चलो चलो, ठीक चलो। सर मैं सच कह रही हूँ, वो मुझे मारना चाहते हैं। कौन है ये अभिजीत जो तुम्हें मारना चाहता है? मैं भी देखता हूँ कैसे मारता है वो तुम्हें। आपको आपको वाकई नहीं मालूम अभिजीत कौन है? मैं तो सच में सर, मैं कैसे जानूं? मैंने तो आज तक देखा भी नहीं उसे। पता नहीं मैं इस जंगल में कैसे पहुंच गया। मुझे लगता है कोई दुश्मन है मेरा जो मुझे यहां मरने के लिए छोड़ गया है। तुम ये बार बार मुझे सर क्यों बोल रही हो? बस ऐसे। तुम्हें डर लग रहा है ना मुझसे? घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये गन उसके लिए है। किसके लिए? वही जिसने मुझे यहां जंगल में मरने के लिए छोड़ा है। अगर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम यहां कैसे पहुंची जंगल में? अगर मैंने इन्हें सच सच बता दिया कि मैं सीआईडी ऑफिसर हूं, तो ये मुझे भी मार सकते हैं। तो ड्रग्स की वजह से कुछ याद ही नहीं। क्या हुआ? हाँ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आई थी और रास्ते में ही भटक गई। सोच रही हूँ कि यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगी। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ।
वैसे कहाँ गए वो हमारे दोस्त? पता नहीं कहाँ चले गए। क्या नाम बताओ उस आदमी का जो तुम्हें मारना चाहते हो? याद है अभिजीत है, अभिजीत। मैं काम करो, अकेली जाओगी तो मौका देख के वो तुम्हें मार देगा, तुम मेरे साथ जाओ, मैं देखता हूँ कैसे मारता वो तुम्हें। वैसे तुमने बताया नहीं कि वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है? मुझे भी नहीं पता। ये लोग एक दूसरे को मार क्यों नहीं रहे? हाँ बॉस, एक दूसरे के सामने आ जाते फिर भी एक दूसरे की तरफ गोली नहीं चला पाते। इस खेल में कुछ मजा नहीं आ रहा है। ये लोग रास्ता ढूंढ के जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस कहो तो मार दो जाके। लंगूर, अगर मारना ही होता तो मैं खुद ही मार देता। एसीपी के दोनों होनहार ऑफिसर एक दूसरे को कैसे मारते हैं ये देखने का मजा और आएगा, आई कि नहीं? जी सर। बॉस, इस ताशा को ड्रग्स का एक डोज दे देते हैं। नहीं, इसे होश में रहने दो, इसकी लाचारी देखने का मजा कुछ और ही आएगा। इस जंगल से बच के निकलना इतना आसान नहीं है, और अगर निकल भी गए तो आकर मेरे कदमों में गिरेगी। वो कैसे बॉस? बस देखती जाओ, सब समझ में आ जाएगा। हमारे बाकी के मेहमान तैयार हैं? हाँ बॉस, तैयार है। ग्रेट, अब देखो ताशा का झूठ क्या गुल खिलाता है दया पर। इधर उधर क्यों देख रहे हैं? किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? चुप। जितना कम बोलोगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, समझी? बुरा मत मानिए सर, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने पूछा, सॉरी। हाँ ठीक है, तुमने ठीक पहचाना। जिस आदमी ने मेरा ये हाल किया है, मुझे यहाँ जंगल में छोड़ दिया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या हो गया सर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुमने तो नहीं देखा उस आदमी को यहाँ आसपास जंगल में? नहीं सर, कौन है वो? मैं तो उसे जानती तक नहीं। ये है वो आदमी, देखा है इसे कहीं? फोटो पे ये क्रॉस क्यों बना के रखा है? पहले जो पूछा जाए उसका जवाब दो। नहीं सर, मैंने इन्हें नहीं देखा। दिखाई दे तो बता देना, इस आदमी की वजह से मैं भटक रहा हूं यहाँ जंगल में, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको। आप इन्हें मार दोगे? हाँ, और तुम्हें भी मार दूंगा अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो। रुकिए सर, सर आप उन्हें नहीं मार सकते, आप उनके साथ ही सर, होश में आइए। चुप, खोपड़ी में छेद कर दूंगा संजय, मुझे मेरे दुश्मन को मारने से रोक रही हो तुम? देखना चाहती हो क्या करूंगा मैं? आजा, आजा। ये ताशा कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रही है, ये मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही है, जरा देखो किस तरह से पागलपन कर रही है। सुनो। यस बॉस। जैसे ही मैं ऑर्डर दूंगा
तुम्हें एक काम करना होगा। असली खेल अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अगर ये सारे सीआईडी वाले मौत के इस लाइव शो से आज बच गए तो इन लोगों को देने के लिए आज मेरे पास प्यारा सा गिफ्ट है। बस आपके प्लान के हिसाब से सारी चीजें तैयार है, आप बस इशारा करें। गुड, वेरी गुड काय। जो मुझे चाहिए वो कुछ ही देर में पूरा हो जाएगा। तुम लोग यहां से सारे सुराख मिटा दो। यस बॉस। और हाँ, एक बात और, यहां से हमारे बारे में कुछ भी किसी को नहीं मिलना चाहिए। मगर बॉस, हम तो यहां से सही सलामत निकल जाएंगे ना? कहीं ये हमारी बलि चढ़ा के तो नहीं भाग जाएगा? ए, रुक जा, मैं तो गोली मार दूंगा तुझे। नहीं 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 डैसर, आप गोली नहीं चला सकते। ये क्या भी नहीं सर है? ये एसीपी सर है सर, आप गोली नहीं चला सकते। अभिजीत, एसीपी मैं किसी को नहीं जानता। तो तू है? अच्छा, इसको लेके आई है मुझे मारने के लिए। दुआ मनाओ, उस वक्त बच गई थी लेकिन अब नहीं बचोगी। कोई नहीं बचेगा तुम में से। और तू भी सीआईडी वाला है ना, है? इसलिए मुझे मारने आया है? तुम सीआईडी वाली हो? तुमने तो मुझसे कहा कि तुम यहाँ पे घूमने के लिए आई थी, रास्ता भटक गई। हाँ क्या, तूने इसे भी झूठ बोला है? तो ये सारी हालत तेरी वजह से हो रही है, है? तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे। मैं बात सुनो, मैं तुम्हें भी जानता हूं और तुम दोनों को भी जानता हूं मैं। याद नहीं आ रहा है मुझे, मैं जानता हूं तुम लोगों को। आई नो इट। आप जानते हैं, आप हम सबको जानते हैं। तो ये अभिजीत सर है, अभिजीत सर। ये दया सर है, तो मैं ताशा और आप एसीपी सर, एसीपी प्रद्युमन। मैं एसीपी प्रद्युमन और अभिजीत। अभिजीत, दया, ताशा, क्यों याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? मैंने देखा है तुम लोगों को, मैं जानता हूं, मैंने ये नाम सुने हुए हैं। तो इसके साथ भी कोई गेम खेल रही है क्या है? तुम सब मुझे बेवकूफ समझा रहे हो, लेकिन नहीं, मैं बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हूं, समझे? मैं सीआईडी वाला हूं या नहीं मैं नहीं जानता, और तुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है, और किसी भी हाल में तुझे मारना है मुझे। मगर पहले इस लड़की का काम खत्म करना है मुझे। क्या? पागल हो गए तुम लोग, पागल हो गए हो? अरे पहले इसकी बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहते सुन तो लो। नहीं, ये हम सबको सीआईडी वाला बता रही है, इसकी बात का यकीन कैसे कर ले हम लोग? हो सकता है इसका कोई गेम प्लान हो। एक मिनट, अगर मैं सीआईडी वाला हूं तो मैंने तुम्हारे हाथों में हथकड़ी क्यों पहनाई? मैं नहीं जानती सर, मुझे नहीं मालूम। मैं बस इतना जानती हूँ कि हम सब लोग सीआईडी में काम करते हैं, और हमारे साथियों को किडनैप कर लिया गया है। हमें उन्हें ढूंढना है हमें उन्हें। याद करने की कोशिश कीजिए आप लोग याद करने की। रेडी सर, सचिन, काजल, डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर तारिका, डॉक्टर शाहरुख के, इन सबको एचडी नाम के एक आदमी ने किडनैप कर लिया है। याद कीजिए एचडी नाम के आदमी ने किडनैप कर लिया है सर। याद करने की कोशिश कीजिए सर, आप हमारे सीनियर ऑफिसर हैं,
एसीपी प्रद्युमन, हमारे सीनियर ऑफिसर, और आप दोनों, हमें सिर्फ सर, दरअसल आप दोनों तो जान है सीआईडी की, जान है आप दोनों। अरे पूरा का पूरा सीआईडी डिपार्टमेंट आपके ऊपर घमंड करता है, घमंड। और अगर आप दोनों ऐसा करेंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा बताइए। मतलब तो सामने आके बात कर, कुछ दिनों की तरह अंधेरे में छुपके क्या बात कर। तू तू एक्चुअली और कौन, इस तरह से बांध के क्यों रखा है हम लोगों को? मुझे कुछ याद आ रहा है, हम लोगों को कहीं किसी किसी कॉटेज में बांध के रखा गया था। हाँ मुझे भी याद आ रहा है, वहां पे तू वहां पे कोई आवाज आवाज गूंज रही थी। हाँ आवाज गूंज रही थी, कोई आवाज, मैंने भी कोई आवाज सुनी थी। कौन था वो अभिजीत, कौन था वो? तो शायद शायद एजरी होगा। हाँ मुझे याद आ गया, हम सब साथ में काम करते हैं। ये गन, ये मैं क्या कर रहा हूं? अपने लोगों के ऊपर गन तान के रखी है मैंने। सॉरी ताशा, मैंने मैंने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई। ऐसा मत बोलिए सर, आपको तो कुछ याद ही नहीं था उन उन ड्रग्स की वजह से। अच्छा सर, सर पकड़ो उसे, जाओ अभिजीत भागो। नहीं 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 नहीं, ये सब कैसे हो गया, इतनी जल्दी उनको याद कैसे आ गया, इतनी जल्दी याद कैसे आया इन्हें? नकली ड्रग्स दिए थे क्या तुम लोगों ने, भगाना चाहते हो? ड्रग्स तो वही दिया था जो हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और डोज भी पूरी दी थी। तो फिर ये सब कैसे हो गया? ये सब उस ताशा की वजह से हुआ है, मुझे पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए था। तुम जानते नहीं इन सीआईडी वालों को, कुत्ते की तरह सूंघते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे, और इससे पहले कि वो यहां पहुंचे हमें यहां से जल्द निकलना होगा। तो देने किस बात की है बॉस, निकले यहां से। एक मिनट, पहले हमारे सारे मेहमानों को यहां लेकर आओ, और साथ में उस ताशा को भी। उसे क्या लगता है यहां से बच के निकल जाएगी, भाग जाएगी यहां से? यस बॉस। बॉस यहां से निकलने की तो सारी तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी थी। वेरी, तुम काफी समझदार लड़की हो, और इसीलिए तुम अभी तक मेरे साथ हो। मेरे सारे मेहमानों को बुलाओ, अब ये चैप्टर बंद करने का वक्त आ गया है। क्यों मानना चाहता था दासी को? कौन है तुम? बोल, हाँ क्या क्या तुम लोगों ने हमारे साथ, जो हम एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो गए थे। हाँ बोल, तुम एसडी है, हैं एसडी हो तुम, कहाँ मिलेगा एसडी?
साथी तो मर गए, यहां तो कोई भी नहीं है। यहां जो कुछ भी हो रहा है एसटी को कैसे पता चलता है? लगता है वो कहीं से छुप के देख रहे हैं हम लोग। से देख रहा हूं सबको, मुझे होश नहीं आता तो अनर्थ हो जाता। एसीपी साहब और ताशा मेरे हाथों मारे जाते हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो ड्रग्स दिए थे ये सब उसका नतीजा है। छुप के ये कहीं बैठा है जीत, ये जो केबल लगाया गया इस कैमरे से पता चल सकता है कि उसने वो मॉनिटर्स कहां लगा रखा है। याद मारने से पहले इस तरह इशारा कर रहा था। आशा भी उन लोगों के कब्जे में। अभिषेक, आशा की चीख सुनी थी सर, चीखने की आवाज इधर से ही आई है। आशा की चीखने की आवाज भी इस तरफ से आई और उस एचडी के आदमी ने भी इसी तरफ इशारा किया था सर। इसी घर में कुछ गड़बड़ है, संभल के। डिश लगी हुई है, यही से नजर रखता है वो हमारे ऊपर। हाँ सर, कुछ भी हो सकता है सर। यहाँ पे तो एकदम सन्नाटा है, जैसे कोई है नहीं यहाँ पे। जब जब ऐसा सन्नाटा होता है तब तक खतरे की घंटी होती ही है। तब तक भागे क्या? अगर भागे तो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ तो छोड़ कर गए होंगे। हम तो चल कर देखें। इसमें टाइम बर्बाद मत करो, हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। देखो तुम लोग तो अपने अपनी जान बचाओ। हम नहीं जा सकते। आप लोग चले जाओ, इस देश को आपकी जरूरत है सर। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत तंग किया आपको, हमेशा बेवकूफी की बातें की है। ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, किसी को भी कुछ नहीं होगा। हम सभी लोग यहाँ से जाएं लेकिन जिंदा जाएंगे, इतना याद रखना। कुछ नहीं होगा तुम। आप उसे मत छोड़िएगा, हम वो बहुत खतरनाक है। आप उसका पीछा कीजिएगा, हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए प्लीज। अभिजीत प्लीज, कैसे छोड़ दें आप लोग? अभिजीत अभिजीत प्लीज मान जाओ हमारी बात प्लीज। तुम लोग तुरंत चले जाओ यहाँ से। अभिजीत की जगह 3 मिनट में भर जाएगी। आप लोग जाइए, हमारे पास समय नहीं है सर। प्लीज सर, चुप सचिन कुछ नहीं होगा। हम आप लोगों को मरने के लिए छोड़ जाए ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए हम ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे। जी टाइम वेस्ट मत करो, जाओ तुम यार। सर किसी तरीके से रस्सी कट जाती तो। सर हम लोग होश में हैं, हमारे पास टाइम नहीं सर, आप जाइए सर प्लीज। सर क्या कह रहे हो सर? प्लीज बात सर, आप यहाँ से जाओ, नहीं तो क्या करोगे तुम? सर मैं अपने आप को गोली मार, सर मैं गोली मार लूंगा। प्लीज सर, आप चलिए नहीं भैया, सर आप यहाँ से जाइए सर। मैं नहीं कहूंगा सर, आपको कुछ नहीं होना चाहिए सर। क्या तुम पागल हो गए? नहीं सर प्लीज, प्लीज सर, नहीं आप प्लीज सर, प्लीज सर
रिक्वेस्ट प्लीज। आई एम सॉरी सर। दया रुक जाओ, दया दया मैं आ रहा हूं। जिसके नाम से गुनेगारों की रूह कांपती थी वो ऐसी भी प्रद्युमन हार गया। नहीं बचा सका मैं, नहीं बचा सका मैं, अपने लोगों को नहीं बचा सका। कैसे माफ करूं मैं, कैसे माफ करूं मैं अपने आप एचडी। जिन लोगों ने तेरा साथ दिया उनको तो तूने मार दिया, पर उन्हीं लोगों ने हमें बताया तू कहां छुपा, पेरिस में छुपा है तू। देख, तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, किसी भी कोने में छुप जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, तेरी जान ले लूंगा मैं, एचडी जान से मार डालूंगा। आ रहा हूं मैं एचडी, तैयार रहना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.